ग्वालियर पुलिस ने 45 किलो गांजा जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है उसे जब्त कर लिया है। इसके अलावा एक आयशर लोडिंग ट्रक और वेन्यू हुंडई कार भी जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों का क्रय विक्रय करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस अधीक्षक को दरमियानी रात मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि डबरा की तरफ से ग्वालियर की ओर 2 वाहनों में गांजा बड़ी मात्रा में लेकर तस्कर आ रहे हैं। इसके बाद इन तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया। रात में प्रभारी क्राइम ब्रांच विनोद शर्मा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की 2 टीमों को टेकनपुर तिराहे पर समुद्र पुल के पास चेकिंग के लिए लगाया गया। टेकनपुर तिराहा पर लगी क्राइम टीम को मुखबिर के बताए अनुसार एक वेन्यू हुंडई कार आती दिखी, जिसे रोका गया। कार में रुकते ही उसमें सवार 2 व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा धर दबोचा गया। कार की तलाशी लेने पर पीछे की सीट के नीचे प्लास्टिक की बोरी में 7 पैकेट रखे मिले, जिन्हें मौके पर देखकर खोला गया तो उसमें गांजा भरा हुआ था। आरोपियों के नाम शिव प्रताप राणा और सुनील शर्मा बताए जा रहे हैं। इसके अलावा समुद्र पुल के पास लगी हुई टीम को रात में आयशर लोडिंग ट्रक आता दिखा, जिसको रोककर तलाशी लेने पर ट्रक के बॉक्स में 8 पैकेट रखे मिले, जिसमें गांजा भरा हुआ था। ट्रक में 2 व्यक्ति मोंटी उर्फ जागेंद्र सोनी और हरिओम प्रजापति सवार थे। गांजे की तौल करने पर मात्रा कुल 24 किलो जिसकी कीमत 2,40,000 रुपए बताई गई, उसे जब्त किया गया। उक्त आरोपी गण गांजे की खेप झांसी से लेकर ग्वालियर खपाने आ रहे थे। ग्वालियर में ये किन लोगों को बेचने वाले थे, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। जो रासी घाटी में इसको पकड़ा गया है, इसमें एक वेन्यू कार, नई वेन्यू कार, और इसके अलावा एक लोडर वाहन मिला है। और खास बात ये थी, जो ये लोडर वाहन है, इसमें जहां बॉडी खत्म होती है, केबिन चालू होता है, वहां पे एक इन्होंने बॉक्स टाइप का बनाया था, जिससे पीछे से देखने के लगेगा कि गाड़ी खाली है, और सामने से भी समझ में नहीं है।